सोर का हालचाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फिर से स्वागत है आपका दिन जय इसके कॉलेज रिव्यू सीरीज के कोई नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कॉलेज रिव्यू करने वाले एनआईटी ट्रिची के बारे में, जो कि एक ऐसा एनआईटी है जो काफी सारे आईआईटी से भी बेटर हो जाता है अगर हम प्लेसमेंट या कैंपस वगैरह की बात करें तो बस इसी कॉलेज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। सो हे गाइस, दिस इज प्रथमेश लाड एंड यू वाचिंग द इंजीनियरिंग गीक्स। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको बताया था कि जो पीडीएफ आपको स्क्रीन पर दिख रही है उसको आप एक्सेस भी कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री है यार। बस बदले में नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम कॉलेज का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कॉलेज के बारे में थोड़ी बातें हम करें तो एनआईटी ट्रिची इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में, जो कि पहले इसका नाम था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ट्रिची। यहाँ पर मैं तिरुचिरापल्ली नहीं बोलूँगा क्योंकि काफ़ी बड़ा नाम हो जाता है यार और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम इसे ट्रिची ही बोलेंगे। इसके बाद हम कैंपस की फोटो देखें तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कितना यूनिक स्ट्रक्चर है यार कैंपस का। मतलब नॉर्मल कॉलेज जैसा कैंपस नहीं है। यहाँ पर मैंने सेंट्रल लाइब्रेरी की फोटो लगाई क्योंकि मुझे इसका आर्किटेक्चर काफ़ी यूनिक लगा यार। मतलब हम देखें तो मतलब नॉर्मल कॉलेज जैसा कैंपस नहीं दिख रहा है इसका, काफ़ी यूनिक दिख रहा है, तो एक अच्छी बात है। इसके बाद कैंपस की हम और बात करें तो ये कैंपस 800 एकड़ में फैला हुआ है। मतलब काफ़ी बड़ा कैंपस है यार, काफ़ी सारे आईआईटी से भी बड़ा कैंपस है इस एनआईटी का, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा बाकी जो बातें हैं कैंपस के हम आगे वीडियो में देख ही रहे होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि इस कॉलेज में मौज मस्ती के लिए क्या होता है हर साल, कल्चरल फेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर फेस्टेम्बर नाम का कल्चरल फेस्ट होता है, फेस्टेम्बर, क्योंकि ये कल्चरल फेस्ट है और ये सेप्टेम्बर में होता है हर साल, इसीलिए इस कल्चरल फेस्ट का नाम है फेस्टेम्बर, जो कि 1975 से होता आ रहा है। मतलब जब मैं और आप पैदा भी नहीं हुए होंगे जब से कल्चरल फेस्ट होता आ रहा है। और ये तमिलनाडु का वन ऑफ द बेस्ट कल्चरल फेस्ट होता है और इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से कल्चरल फेस्ट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका है। इसी के साथ इस कल्चरल फेस्ट में सेलिब्रिटी नाइट्स भी होती है। यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को इन्वाइट किया जाता है, जैसे कि सलीम सुलेमान और बॉलीवुड आइकन प्रीतम जैसे लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। मतलब काफ़ी अच्छा कल्चरल फेस्ट होता है यार इस कॉलेज में। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टैट्स एंड रैंकिंग के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NIRF ने 2020 में इस कॉलेज को रैंक 9 दी थी इंजीनियरिंग में और 24 दी थी ओवरऑल कैटेगरी में। मतलब यहाँ पे मैं किसी आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एनआईटी के पास अंडर 10 रैंक है इंजीनियरिंग में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और मतलब हमने पिछले जो दो कॉलेज के कॉलेज रिव्यू करे, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी इंदौर, ये कॉलेज आईआईटी हैदराबाद से एक रैंक पीछे है और आईआईटी इंदौर से एक रैंक आगे है। मतलब समझ रहे हो, आईआईटी इंदौर को भी इसने पीछे छोड़ दिया इस कॉलेज ने, जो कि एक एनआईटी कॉलेज है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कॉलेज काफ़ी पुराना है यार, एक्सपीरियंस बहुत है इस कॉलेज के पास, इसीलिए इस कॉलेज को इतनी अच्छी रैंक मिलती है हर साल। इसके बाद बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि आप कॉलेज तक पहुंचोगे कैसे। तो अगर आप बाय फ्लाइट ट्रेवल कर रहे हो तो यहाँ पर नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पड़ेगा तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 18 किलोमीटर अवे है कैंपस से। इसके बाद अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा ट्रिची रेलवे स्टेशन, जो कि 20 किलोमीटर अवे है कैंपस से, 20 किलोमीटर दूर है कैंपस से। मतलब आप ट्रेन या फ्लाइट दोनों से ट्रेवल कर रहे हो तो वहाँ से आप एयरपोर्ट से भी और रेलवे स्टेशन से भी विद इन हाफ एन आवर में आप पहुँच जाओगे कैंपस तक, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यार। बाकी हम दूसरे कॉलेजेस को देखें तो काफ़ी दूर हो जाते हैं एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, लेकिन यहाँ पे काफ़ी पास पड़ता है आपको, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन की, कि कैसे घुसोगे आप इस कॉलेज में। तो जैसे बाकी कॉलेजेस में घुसा जाता है जेई मेंस, जेई एडवांस और जोसा की काउंसलिंग करवा के, इसके अलावा यहाँ पे आप सी शैप स्पेशल राउंड से भी घुस सकते हो। मतलब सी शैप राउंड वो होता है जहाँ पे जोसा की काउंसलिंग के बाद जो सीट्स बच जाती है वो जिस सी शैप में फुल होती है, तो वहाँ से भी आप जा सकते हो कॉलेज के अंदर। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 लाख रुपीज़ पर ईयर आपको पड़ रही होगी ट्यूशन फी, मतलब जो कॉलेज की फ़ी होती है। इसके अलावा हॉस्टल और मेस फीस की बात करें तो वो आपको पड़ रही होगी 77,000 रुपये पर ईयर, मतलब 9-9.5 लाख में आपकी इंजीनियरिंग इस कॉलेज से पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि अच्छी बात है। आईआईटी से हम तुलना करें तो उनकी 12-13 लाख में होती है, इसके 9-9.5 लाख में हो रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है इस कॉलेज की। इसके बाद हम बात करते हैं कोर्स ऑफर एंड सीट मैट्रिक्स की, कौन कौन से कोर्स कॉलेज ऑफर करता है आपको, सीट मैट्रिक्स कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मैं ये कोर्सेज के बारे में बताऊँ, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे स्टेट कोटा भी लगता है, मतलब स्टेट लेवल रिजर्वेशन भी यहाँ पे है। अगर आप तमिलनाडु से हो तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिल रहा होगा, आपका अलग से कोटा लगेगा इस कॉलेज में सीट्स के लिए। तो यहाँ पे तमिलनाडु की भी देख सकते हो और अदर देन तमिलनाडु की सीट्स भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रांचेज अवेलेबल है कॉलेज में, लाइक केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अब हम स्टेट कोटे की सीट्स देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग की स्टेट कोटे की सीट 31 है, लेकिन यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के अदर देन तमिलनाडु की सीट्स 32 है। मतलब 31 सीट्स तो सिर्फ तमिलनाडु वालों के लिए ही है
और बाकी की 32 सीट्स है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो मतलब समझ सकते हो कि अगर आप तमिलनाडु से हो तो आपको कितना प्लस पॉइंट मिलेगा इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है कि दूसरी स्टेट्स वालों को मौका नहीं मिल रहा उतना। इसके अलावा दूसरी ब्रांचेस की सीट्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के देखे तो यहाँ पे तमिलनाडु के लिए 48 सीट्स है और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अदर देन तमिलनाडु के लिए 47 सीट्स है। ऐसे यहाँ पे दूसरी ब्रांचेस की भी आप देख लेना, एक एक की बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितना जाता है इस कॉलेज का। अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल की ओपनिंग रैंक जाएगी 9569 और क्लोजिंग रैंक जाएगी यहाँ पे 17104। ये होम स्टेट कोटा के लिए था, मतलब तमिलनाडु वालों के लिए, तमिलनाडु के बाहर वालों के लिए क्या है तो ओपनिंग रैंक है 5977 और क्लोजिंग रैंक है 10589। मतलब देख रहे हो आप कितना डिफरेंस आ जा रहा है यहाँ पे, आप तमिलनाडु से हो और तमिलनाडु से नहीं हो तो। इसके साथ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के हम देख लेते हैं, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे होम स्टेट कोटा के लिए ओपनिंग रैंक 982 है और क्लोजिंग रैंक 4041 है, और अदर स्टेट के लिए ओपनिंग रैंक 227 है और क्लोजिंग रैंक 1140 है। देख सकते हो आप कितना सारा डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब आप अगर तमिलनाडु से होता यार बहुत ही प्लस पॉइंट है आपके लिए ये तो। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ पे है बाकी की जो आप देख लेना पीडीएफ डाउनलोड करके। इसके बाद बात करते हैं हॉस्टल और मैस की, किस कॉलेज में हॉस्टल कैसी और मैस कैसी है। तो हॉस्टल की हम बात करें तो एज ऑलवेज नहीं, सिंगल पर्सन ऑक्यूपेंसी नहीं है यहाँ पे, थर्ड पर्सन ऑक्यूपेंसी है। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको दो लोगों के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर में आपकी सिंगल पर्सन ऑक्यूपेंसी हो जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको तीन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, इसको आप अच्छी बात बोलो या बुरी बात बोलो। अच्छी बात ये कि आपके पास सुख दुख बांटने के लिए भी दो लोग होंगे, और बुरी बात ये कि वही दो लोग आपके दुख का कारण ना बन जाए कहीं। तो दोनों बातें, फोटो आप देख ही सकते हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की है। हॉस्टल मतलब ठीक ठाक है यार, इतनी खास नहीं लगी मुझे हॉस्टल अगर भी मैं बात करूँ तो। इसके बाद देख लेते हैं 22 बॉयज़ हॉस्टल है, 6 गर्ल्स हॉस्टल है इस कैंपस में। हर हॉस्टल में टीवी भी प्रोवाइडेड है, मतलब हर रूम में नहीं है, हर हॉस्टल में एक हॉस्टल में एक टीवी है। जैसे 22 बॉयज़ हॉस्टल है तो 22 टीवी वहाँ पे होगी। इसके अलावा टेलीफोन है, आउटगार्ड वाटर कूलर है, ये काफ़ी अच्छी बात है, ठंडा पानी आपको मिल जाएगा। शेयर्ड रूम फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सिंगल पर्सन ऑक्यूपेंसी फॉर अदर स्टूडेंट्स। इसके बाद मेसेस की बात करते हैं, यहाँ पर 10 मेस अवेलेबल है, इंक्लूडिंग वेज नॉन वेज साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन फूड। मतलब अगर भी आप नॉर्थ साइड से हो और आपको फूड यहाँ का पसंद नहीं आता तो आपको फूड का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आपको साउथ इंडियन फूड नहीं खाना पड़ेगा, नॉर्थ इंडियन फूड के लिए भी अलग से मेस है, आप वहाँ पर जाके खा सकते हो। इसके साथ 4 मील्स पर डे यहाँ पे मेस में आपको मिल रही होगी, तो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब 4 मील्स तो यार मोर देन इनफ होती है, वैसे भी हम एक आध स्किप कर ही देते हैं उसमें। तो ये थी हॉस्टल और मेस की बात। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं। प्लेसमेंट्स कैसी है इस कॉलेज की, तो अगर हम प्लेसमेंट रेट की बात करें तो 90% प्लेसमेंट रेट है ओवरऑल। नंबर ऑफ ऑफर्स की बात करें कि 2020 में कितने ऑफर्स यहाँ पे आए हैं, तो 220 प्लस ऑफर यहाँ पे 2020 में आए हैं। एवरेज CTC 9 LPA है, हाईएस्ट CTC 42 LPA है यहाँ का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था। एवरेज CTC मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिला, लेकिन हाईएस्ट तो यार ठीक है, मतलब NIT के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। उसके बाद टॉप रिक्रूटर्स की हम बात करें तो उबर, डिशो, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गोल्डमैन सैक्स जैसी सारी बड़ी कंपनीज इस कॉलेज में आती है। तो अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लोगे तो वो इस कॉलेज में आ रही होगी। माइक्रोसॉफ्ट भी आती है, ये जो 42 लाख का पैकेज आप देख रहे हो ये माइक्रोसॉफ्ट ने ही दिया, और नीचे ये जो टॉप रिक्रूटर्स आप देख रहे हो इन सभी रिक्रूटर्स ने 20 लाख प्लस का पैकेज कॉलेज में दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की, अदर फैसिलिटीज़ क्या है कॉलेज में। तो जैसे बाकी कॉलेजेस में होता है, यहाँ पर आपको कैफेटेरिया मिल जाएगा, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा जहाँ के आप बैडमिंटन खेल सकते हो, बास्केटबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पर आपको, फुटबॉल ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, टेनिस है, वॉलीबॉल खेल सकते हो, हॉकी ग्राउंड है, मतलब सारी गेम्स आप यहाँ पे खेल पाओगे। इसी के साथ कन्वीनियंस स्टोर भी, आपको कुछ खरीदी वरीदी करना है तो कॉलेज के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर ही कन्वीनियंस स्टोर बना के रखें तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ डांस रूम है, अगर आप डांस के शौकीन हो तो डांस कर सकते हो। म्यूजिक रूम है, गाने वाने के शौकीन हो तो आप म्यूजिक भी गा सकते हो यहाँ पे। हॉस्टल की बात तो हमने करी ली, वाईफाई कैंपस है, एसी क्लासरूम्स है, लाइब्रेरीज है, लैब्स है, जिम्स है, हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ है, शटल सर्विस है, ऑडिटोरियम है। इसी के साथ बैंक एंड ATM फैसिलिटीज़ भी आपको इसी कॉलेज के अंदर मिल जाएगी, आपको बैंक या ATM वगैरह के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कॉलेज के अंदर ही कैंपस के अंदर ही ATM भी अवेलेबल है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है यार। तो बस यही सारी चीज़ें थी यार इस कॉलेज के बारे में। इस वीडियो में हमने बात की NIT ट्रिची के बारे में, जो कि नंबर 1 NIT है इंडिया का, काफ़ी सारे IITs को भी पीछे छोड़ देता है प्लेसमेंट के मामले में। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो, और अगर आपके कुछ डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, और आप सजेस्ट भी कर सकते हो कि आने वाले कॉलेज व्यू की वीडियो में कौन से कॉलेजेस पे बनाऊं। तो इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।